बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, ईद स्पेशल रेसिपी शीर खुरमा की। यह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की जरूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने दूध लिया है 2 लीटर। इसको आपने फुल बॉयल करना है। अगर आपका दूध पहले से बॉयल है तो फिर भी आपने इसको फुल बॉयल करना है और जैसे जैसे इसके ऊपर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम फ्लेम में आपने कर देनी है। इसके अंदर इलायची हमें चाहिए होगी, छोटी इलायची 4 से 6 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है। यानी कि आपने इसको जो बॉयल आ रहा होगा तो आपने अच्छी तरह चमचा हिला के साथ साथ इसको मिक्स कर देना है ताकि ये हमारा दूध अभी दोबारा बॉयल ना हो। सेवियां चाहिए होंगी हमें 500 ग्राम। 2 लीटर दूध के अंदर 500 ग्राम सेवियां जाएंगी तो आपने इसके अंदर 500 ग्राम सेवियां ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ आप इसको चमचा चलाते रहेंगे तो साथ साथ ये कुक भी होती रहेगी और अच्छी तरह ये दूध के साथ मिक्स हो जाएंगी। फिर खजूर हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसेस, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी साथ साथ आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे तो साथ साथ हमारी सेवियाँ और ये खजूर भी आपकी कुक हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। फिर चीनी हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, वो ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लीटर दूध के अंदर 500 ग्राम सेवियाँ और 250 ग्राम चीनी आपकी इसके अंदर जाएगी हो तो इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना ताकि चीनी भी अच्छी तरह इसमें घुल जाए। फ्लेम को आपने बस अभी मीडियम के ऊपर रखना है और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच आपने नहीं छोड़ना ताकि हमारी सेवियाँ नीचे ना लग जाएँ। तो फुल बॉयल इसको करना है और साथ ही आपने इसको मिक्स करते रहना है यानी कि इसको अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। ये देख लें, इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो गए। फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है या अपनी मर्जी के मुताबिक जो सा आपका दिल करे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम, पिस्ता, काजू इसके अंदर ऐड किया है तो इसको अच्छी तरह आपने फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और साथ ही आपने जो फ्लेम है इसको आपने ऑफ कर देनी है। अभी इसको आपने ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको किसी बोल के अंदर डालकर आप सर्विंग के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। ये देख लें, मैंने इसको सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया हुआ है। तो ये शीर खुरमा हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बना है और लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। ये ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर किया है और बहुत ही आसान तरीके के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।